सबको सदैव जिनका सानिध्य मिला और जिन्होंने प्रेरणा दी युवा वर्ग को कि सच्चाई के साथ जो व्यक्ति खड़ा रहता है सदैव उसकी आवाज सुनी जाती है। आज हम सबको जो इस कोटपूतली की पावन धरा पर राज्यपाल सम्मानीय मलिक साहब को इस कोटपूतली की धरा पर पधारने पर मैं आप सब की ओर से इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मेरे से पहले जो हमारे मन संचालन कर रहे थे भाई मनोज जी ने मलिक साहब के बारे में बहुत सी बातें आप लोगों के बीच में रखी, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हम सब जानते हैं उनके बारे में। उससे पहले मंच पर विराजमान जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय सम्मानीय रामनिवास जी यादव साहब, आपके यहाँ के सरपंच सम्मानीय मान साहब, पूर्व सरपंच धनखड़ जी रंधावा, अपने यहाँ पर जितने भी जो लोग बैठे हुए हैं सम्मानित मंच, क्योंकि दिनेश जी, शंकर जी और सभी लोग मेरे सामने विराजमान परम आदरणीय सम्मानीय मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है मेरी मातृशक्ति को मेरा नमन। आज हम सबका सौभाग्य है कि हम सब लोग उस व्यक्तित्व का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ, उस व्यक्तित्व का आशीर्वाद हमें मिला, जो चाहे कहीं भी रहा हो लेकिन सदैव आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, आपके लिए संघर्ष किया, इस देश के इसके आपके लिए लड़ाई लड़ते। अभी भाई मनोज जी बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर में जो 370 हटी ये मलिक साहब की, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि 370 कोई हटा नहीं सकता था, केंद्र सरकार ने जरूर पारित की, लेकिन अगर ये कोई काम कर सकता था तो एक किसान का बेटा काम कर सकता, जो किसान के दुख सुख और दुख में काम आता है। ये किसान का बेटा जो सड़क पर खड़ा होकर इस देश की सेवा करता है, उसी रूप में मलिक साहब ने ये कहा कि 370 भी उठाऊंगा और जम्मू कश्मीर के अंदर एक पत्थर भी नहीं बजेगा, इस बात का भी पूरे देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं। ऐसे महान शख्सियत जो आज इस कोटपूतली की धरा पर पधारने पर हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं मलिक साहब कि जिस प्रकार से आपने सदैव जिस प्रकार से किसानों के लिए लड़ाई लड़ी है, आज भी हमारे बीच में चौधरी चरण सिंह जी नहीं है लेकिन सदैव वो हम सबको आशीर्वाद देने के लिए हर वक्त हमारे बीच में रहते हैं। जब भी हम गांव में अभी जब हुक्का उड़ा रहे थे, हुक्का पी रहे थे, तो ये देन किसी और की नहीं, ये चौधरी चरण सिंह की देन है, जो खुले में आप लोग हुक्का पी रहे हो, जो पांच भाई बैठकर पी सकते हैं, ये चौधरी चरण सिंह की देन। आज मुझे गर्व इस बात का है कि मैं जिनका आज इस कोटपूतली की धरा पर स्वागत कर रहा हूं वो ऐसे व्यक्तित्व हैं, जब केंद्र सरकार ने किसानों के लिए तीन काले बिल लेकर आए, जब सम्मानीय मोदी जी के सामने कोई बोलने वाला नहीं था, किसान की बात कोई करने वाला नहीं था, तब एक आवाज उठकर आई कि किसान के बेटे अभी भी चाहे कहीं भी बैठे हो कहीं भी रहे, लेकिन किसान के ऊपर अत्याचार होगा तो चुप नहीं बैठ सकते। सम्मानीय मलिक साहब ने कहा कि किसान के ऊपर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा, ये इस बात का प्रतीक है कि आपके दिल में इनके लिए जगह क्या है और आप इनके लिए क्या महत्व रखते हो। आज हम सब लोग जानते हैं कि जब तीनों काले बिल लागू हुए, राजस्थान के सांजापुर बॉर्डर पर हमने जब जाम किया, मैं आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं उस व्यक्ति की पार्टी का एक सिपाही हूं, जिस व्यक्ति एमपी होते हुए जिस व्यक्ति ने नागौर से हुंकार भर के और सांजापुर बॉर्डर जाम किया, इस बात के लिए कि मेरे किसान भाइयों को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होनी चाहिए। आज भी मुझे याद है कि एक महीने से अधिक सम्मानीय बेनीवाल जी सांजापुर बॉर्डर पर
रोड के ऊपर सोते रहे कि हम किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। एक मलिक साहब थे जिन्होंने मोदी साहब के विरोध किया, एक नागौर की धरा से जन्मा हुआ वो शेर जिन्होंने मोदी साहब से नाता जोड़ा, नाता जोड़ा भी और तोड़ा भी, इस बात पर तोड़ा कि अगर किसान पर कोई अत्याचार करेगा तो चाहे कितना भी बड़ा तानाशाह हो उसके विरोध में ये किसान के बेटे खड़े हो जाएंगे। आज मुझे गर्व है इस बात का कि मैं उनकी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, उनकी पार्टी का सिपाही हूं। पूरे राजस्थान में जब दोनों बॉर्डर जाम हो गए और शाहजहांपुर बॉर्डर की तरफ जब लोग देख रहे थे कि ये बॉर्डर जाम नहीं हो सकता, तब नागौर से चलकर आए सांसद साहब ने वो बॉर्डर जाम किया सिर्फ आप लोगों के लिए। आज सम्मान्य मलिक साहब को इतना और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लोग सदैव किसानों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, किसानों के सुख और दुख की लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वो स्थिति प्रस्तुति कैसी भी हो उनके लिए हम लोग संघर्ष करते हैं। मुझे बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि मैं कई बार सम्मान्य मलिक साहब को सुनने का मौका भी मिला और इनकी जो ये कहते हैं इनकी कथनी और करनी में फर्क भी नहीं मिला, इसलिए भी इनको धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हो, जो मेरी मातृशक्ति बैठी हुई है, जो मेरे नौजवान साथी बैठे हुए हैं, किसान भाइयों, आज पूरे देश के अंदर आप कहीं भी चले जाओ, चाहे किसी भी फैक्ट्री में चले जाओ, अगर एक छोटी सी बटन बनाने की फैक्ट्री भी है तो उसको ये अधिकार है कि बटन की कीमत वो तय करे कि ये बटन कितने रुपए में बिकेगा बाजार के अंदर। लेकिन आज देश के अंदर ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जो किसान जिसको अन्नदाता कहा जाता है वो जब फसल का उत्पादन करता है और उस फसल का भाव भी सरकार और मंडियां लगाती है, हम उसका भाव भी नहीं लगा सकते। ऐसी स्थिति इस देश के अंदर बनी हुई है, हम सबको सोचने की आवश्यकता है। और जब भी इसके बारे में कोई बोलते हैं, अभी आपने सुना होगा कि राज्यपाल महोदय जो जम्मू कश्मीर में 370 हटाकर आए और उसके बावजूद जब इन्होंने किसान के बारे में बोला, नौजवानों के बारे में बोला, तो जेड सुरक्षा प्लस भी इनसे हटा दिया गया, ये आपके साथ एक कुठारा घात किया गया और आप सबको इसको सोचने और समझने की आवश्यकता है। लोगों का दमन करते रहेंगे। मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, मलिक साहब, हम आपके बेटे, हम हलदर हैं, हम किसान की औलाद हैं। ये जेड सुरक्षा प्लस आपको मिले या नहीं मिले, लेकिन ये किसान के बेटे आपको खून देने के लिए भी तैयार है। इस सरकार को ये जो तानाशाह बनकर बैठे हैं इनकी नींव हला देंगे। आने वाले समय में जिस प्रकार से दो अन्याय केंद्र सरकार कर रही है उसके विरोध में हम सब लोग मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। मैं आज इतना जरूर कहना चाहता हूं, राजस्थान की दशा और दुर्दशा ऐसी बनी हुई है कि राजस्थान के अंदर अगर कोई मेरे नौजवान साथी जब पेपर देने जाते हैं तो पेपर जब वो परीक्षा केंद्र में नहीं पहुंचते उससे पहले मलिक साहब पेपर किसी चाय की दुकान पर या बेड ऊंचे बैठे पदों के अधिकारी 10-10 लाख रुपए में उन पेपरों को बेच रहे हैं और हमारे नौजवान साथी और फिर दर दर की ठोकर खा रहे। ऐसी गुंगी बहरी सरकार इस राजस्थान में बनी हुई। कानून नाम की व्यवस्था पूरे राजस्थान के अंदर नहीं, पूरा राजस्थान त्राहिमान त्राहिमान कर रहा है। अगर कहीं अगर शहर को उजाड़ने की बात करो तो जितने भी प्रशासन के अधिकारी हैं वो तुरंत मौके पर रात को 3-4 बजे भी पहुंच जाते हैं, लेकिन कहीं मर्डर हो गया, कहीं चोरी हो गई, कहीं डकैती पड़ गई तो इनके पास समय नहीं है कि वह पहुंचकर उनको न्याय दिला सके। ऐसी कानून व्यवस्था इस राजस्थान में देखने को आपको मिलेगी। जगह जगह पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार, आज कहीं कोई आमजन अपने आप में सुरक्षित महसूस नहीं करता। अगर बात हो किसी मंत्री की, अगर बात करे हो कि किसी व्यक्ति विशेष की दुकान तोड़नी है तो एसपी समेत और रात को आईएएस अधिकारी आ जाते हैं जिनको ये पता नहीं होता कि इस दुकान को तोड़ना भी है या नहीं तोड़ना, पूरे कोट पुतली को। अब आपको कहीं भानगढ़ में जाने की आवश्यकता नहीं, अगर भानगढ़ देखने की आवश्यकता है तो सिर्फ
कोटपुतली शहर में चले जाना, ऐसी स्थिति कोटपुतली में बनी हुई है। यहाँ प्रशासन जिसको लोग कहा करते थे हमारे बड़े बुजुर्ग कि हमने कठपुतली का खेल देखा, आज वही कठपुतली का खेल कोटपुतली का प्रशासन जो कठपुतली बनकर काम कर रहा है, ये आपको देखने को इस कोटपुतली में मिलेगा। जहाँ का गृह मंत्री होने के बावजूद आए दिन, भाई समय का जरूर है लेकिन 5 मिनट का, लेकिन ऐसी स्थिति इस कोटपुतली में बनी हुई है कि आम जन में जो पुलिस में नारा हुआ करता था मलिक साहब कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, आज राजस्थान में वो नारा इस प्रकार है कि आम जन में भय और अपराधियों में पुलिस के प्रति विश्वास, ये पूरे राजस्थान के अंदर ऐसा माहौल बना हुआ, ऐसा माहौल राजस्थान में जहां कानून नाम की कोई चीज नहीं। यहां का जो शिक्षा मंत्री अगर शिक्षा के मंदिर में जाए तो वहां परीक्षा होने के बाद बावजूद भी वो डांस में मगन हो जाए, ऐसी राजस्थान की दशा और दुर्दशा है। मैं तो कहना चाहता हूं मेरे किसान भाइयों से, मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि उठो किसानों के पुत्रों, जागो, देखो राजस्थान के सिंहासन की तरफ, अब आपको किसी की आवश्यकता नहीं, अपने बल के बलबूते पर जयपुर में उस सिंहासन पर नजर डालो और किसान के बेटे को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाओ ताकि अब आपकी आवाज को सुन सके, आपके लिए काम आ सके। अभी जब मैं बैठा हुआ था तो यहाँ भाई कह रहे थे कि बहुत से लोग आते हैं बोल जाते हैं रोड के लिए, मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अगर राजस्थान में हमें मौका मिला तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि जब इस मेले में आएंगे तो रोड से आएंगे, ये विश्वास दिलाते हैं। हम किसान के बेटे, हम जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे, क्योंकि राज्यपाल महोदय के पास समय की कमी है, इसलिए मैं आप सबसे इतना ही कहते हैं अपनी को वाणी को विराम दूं, उससे पहले इतना जरूर कहना चाहूंगा मेरे किसान भाइयों के लिए, मेरे नौजवानों के लिए, मेरी मातृशक्ति के लिए कि बुलबुल के पंखों में कभी बाज नहीं रहते, जिनको आदत पड़ गई सर झुकाने की उनके सर पर कभी ताज नहीं रहते। आप सबको मेरी ओर से